दोस्ती आपकी होती है सबसे या एक हद तक फैमिली में ज्यादा रहते हैं? मतलब नहीं, फैमिली में मैं रहता हूँ, बिल्कुल रहना चाहिए क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने पाल पोस के यहाँ तक भेजा था. अब हम हमारी बारी. आपके कितने सिबलिंग्स हैं? ये तो मुझे पता ही नहीं. मेरा बीच में है कहीं. बीच में नंबर 5. हाँ, और चार. कैसे बेटे कैसे भाई साबित हुआ? नहीं, अपनी अपने बारे में कोई भी इस किस्म की बात कहना, मैं पापा ने कुछ किया होगा ना. आई लव माई मदर. आई मीन, मैं अपनी वालदे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, अभी तक करता हूँ और करता रहूंगा. और बहुत ज्यादा उन्होंने भी लाड से मुझे पाला. और मैं जो इतना दुनिया में प्यार, जो मैं प्यार प्यार की बात, क्योंकि मुझे मिला बहुत ज़्यादा. हाँ. तो मैं हालांकि मैं शिकला से इसी बात पे लड़ कि भाई तुझे नहीं मिला, मुझे मिला. तो मैं इसलिए मेरे वालदा का तो जाहिर है क्या उनको कहा जाए. और बहनें भी मेरी. हाँ. मैं बड़ा ही लकी हूँ, सारी बहनें मेरी बड़ी छोटी जो भी हैं बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिलता है. तो क्या क्या शिकायत करें, मैं तो सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूँ अल्लाह के, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह का शुक्र. यू आर ब्लेस्ड. और कुछ खराबियां अगर जिंदगी में आई हुई है निदा, तो वो उससे मैं सीखता ही हूँ. थोड़ा ज्यादा ही हो गया, उससे पहले ही थोड़ी कोर्टशिप थी हमारी. शकीला इज अ वंडरफुल पर्सन. इसमें मैं अपना राग अपनी जगह, लेकिन शकीला इज अ कंपेनियन इज अ वंडरफुल पर्सन. दोनों मुझे ऐसा लगता है गुस्से के तेज है और थोड़े लाउड है. तो अगर कभी झगड़ा होता है तो क्या बाहर आवाज जाती है हर रोज घर के बाहर? ये तो बाहर निकल के तड़िया भी. मैं तो छुप गया था एक दिन. मुझे तो मोहल्ले वालों ने बचाया, खुदाई के साथ. मैं कमरे में जाके छुप गया, मेरे दो बेटे छोटे वाले ने बचाया. उसने कहा माँ कमरे में नहीं है. ये मुझे ढूंढ रही थी, पता नहीं क्या चक्कू वक्कू था देंगे. पुरानी बात है. तो अच्छा, नहीं जो आपके एक बेटे का नाम तो शारिक है जी, दूसरे के इज द एल्डेस्ट देन शाजिम माशाल्लाह. अच्छा. एंड थर्ड मैगजीन विद मी. सो हाँ हाँ, दूसरा वाला भी बहुत लोग. दोनों three grandchildren bhai. Oh, oh, our wow, eldest Hamza is 20. Phir Soha is 15. Oh yeah, mashallah. And Safi is 12. Pasal liya shikla ne circumstances. I swear he was a grandfather before he was 50, I think. Koi baat nahi, adhikari mein bhi har cheez pe believe karna padta. Ha, jaldi adhikari jab aap ek as a profession rakh lete hain to aap har cheez ke liye taiyar hain. Bilkul.